खेलती तो बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, पर इस बार ना तुमने बंदा बहुत गलत चुन लिया है। तो आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुमको बताने वाला है कि तुम ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसे ऐसे डायलॉग्स अपनी एक्स पे ट्राई कर सकते हो, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों वाले भी। कोई भी किसी की भी एक्स है आपके पास आई, आपकी फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी हुआ, आप उसको भी इंप्रेस कर सकते हो। इन लाइंस उनके ना ऐसा दिल में ऐसा छेद करके ऐसा घुस जाओगे। घुसना चाहते हो तो पहले इस वीडियो में घुस जाओ। अरे आओ आओ आओ। अब ये वाली लाइन आपकी एक्स के लिए नहीं है, किसी और की एक्स के लिए, या फिर अपनी वाली को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, जैसे वो बोलती है कि और बताओ, ठीक है। अब किसी, अब हाय हेलो हुआ उसके बाद में तो वो बोलेगी कि और बताओ, तो फिर आपको बोलना है कि मुझे छोड़ो तुम बताओ, रह गई ना तुम्हारी भी मोहब्बत अधूरी। तो इसके बाद में ना फिर से उसके दिमाग में चलेगा बॉयफ्रेंड ये वो ये वो ये वो, उतनी सारी सब ऐसा फ्लैशबैक में चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपकी यादें आने लगेंगी, तो ये वाला लाइन ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वाली है ना उस पे चल। अब आपका ब्रेकअप ना होने ही वाला है, एकदम लास्ट वाली स्टेज चल रही है, लास्ट मैसेज तुमको सेंड करना है। अब तुम क्या बोल सकते हो, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा बस यादों में, ये वाली लाइन बोल सकते हो। मान लीजिए आपकी फ्रेंड है या फिर जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, अब जाहिर सी बात है उसको पटाना चाहते हो, मतलब उसका भी ब्रेकअप हुआ है। तो अगर उसका ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको बोल सकते हो कि धोखा तो बहुत खा ली हो, अब मैं तुम पे थोड़ा सा लाइन मारता हूँ, तुम भाव भी खा लो। तो ये फ्लर्ट भी हो गया, और अब उसके दिमाग में ना ये सारी की सारी धोखे धाके वाली बातें साइड में फेंका के तुम चले आओ, आओ जानू आओ आओ चलते हैं। तो ये वाली सीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ट्राई करिए, मजा आ। अब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलती है आई एम सॉरी ब्रेकअप हो गया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको बोलना है उस टाइम एकदम से पिघलना नहीं, अरे नहीं, रोना धोना नहीं, आपको बोलना है कोई बात नहीं, वक्त और यादें ऐसी है ना, ऐसी होती हैं कि अच्छी हो या बुरी हमेशा सीख ही देती हैं। तो इससे आपकी मैच्योरिटी का जो लेवल है ना वो इतना से इतना हो जाएगा, और आपका जो है मज़ा अलग लेवल का हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप जो है ना उसके दोस्तों के चक्कर में हो, उसके यारों के चक्कर में हो, या फिर एक छोटी सी बातों के चक्कर में हुआ, किसी के चक्कर में हुआ है तुम्हारा ब्रेकअप, तो फिर तुम उसको बोल सकते हो तुम्हारी एक्स फिर से वापस आई है, अब तुमसे बोल रही, कुछ भी बातें कर रही है, तो आप उसको ऐसे जब जहाँ पे फिट लगे ये वाला डायलॉग आप बोल सकते हो, एक बार बस एक बार लोगों की ना सुन के ना मेरी सुन ली होती। इतनी अच्छी लाइन बोल दो। अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना या फिर जो आपकी एक्स थी, उसके साथ क्या हुआ था, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ना ब्रेकअप हो गया था आपका, या फिर कुछ ऐसे छोटी बोती बातों से, या फिर आप उसकी नज़रों में गलत हैं, आप लड़की हो या लड़का मेरे को नहीं पता, आप उसकी नज़रों में गलत हैं, तो आप लोग बोल सकते हो जाहिर है आपकी ये नाराज़गी, क्योंकि आपकी नज़रों में तो हम गुनाहगार बने बैठे हैं ना। तो ये वाला लाइन भी आप बोल सकते हो और मज़े ले सकते हो दोस्त, मजे वैसे वाले मजे नहीं, इसके दिल में ऐसा छलनी करते हो ऐसा छलनी करते हो, घुस सकते हो, मेरे को गंदी नजर से मत देखो, समझ रहे हो। अब आपकी एक्स से आपके पास आती है, आपसे बातें कर रही है, तो वो आपसे पूछेगी जरूर और बताओ याद आती है मेरी, तो आपको बोलना है दिल ने अभी तक माना नहीं है, पर तुम तो बहुत पहले ही चली गई थी, ये वाली लाइन बोल सकते हो। अब आपकी एक्स आती है, आपसे बातें हो रही है और ये पूछती है कि ठीक हो, तो आपको बोलना है कि हाँ ठीक हूँ, बस बात इतनी सी है ना कि मैंने ही ना आपसे ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी, तो इसको ऐसे बोल सकते हो और तुम मजे ले सकते हो, तुम उसके मजे ले सकते हो, समझे, क्योंकि उसने तुम्हारे बहुत ज़्यादा मजे लिए हैं। अब मान लो आपका ब्रेकअप हो रहा है और आप उसको बोल सकते हो कि अभी तो ना ठीक से मिले भी नहीं थे, अभी तो ठीक से मिले भी नहीं थे और आप जा भी रहे हो, खत्म। ऐसे छोटे मोटे डायलॉग्स तुम्हारा भाई भी ट्राई करता रहता है, तो फटाफट इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही लाइंस ऐसे ही डायलॉग्स आपको मैं देने वाला हूँ। चलिए कहाँ, हमारी फैमिली बन जाइए, और क्या फैमिली हो तुम, हमारी इज्जत करते हैं तुम्हारी, बन जाओ।